पिताजी। हाँ? ऐसे कब तक चलेगा? तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? जब जो मैं करूंगा ना तेरे भले के लिए करूंगा हमेशा। पिताजी वो बात तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे कितने पति चेंज करेंगे? मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार बता, जब तुझे पहला पति मिला वो तेरे साथ मारपीट करता था, मैंने इस चक्कर में वहां से तुझे बुला लिया। अब ये दूसरे पति के लिए मैंने बात तय की थी कि मेरी लड़की काम धंधा कम जानती है, हल्की पतली है, चक्कर आ जाते हैं उसे। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा। मैंने जब उनसे कहा था कि आपके घर में सदस्य कितने, तो मुझसे बोले कोई नहीं है, बस दो सदस्य हैं, बाप और बेटा। ये क्या बता दी गई, तीन तीन लिंदे और पाल रखे हैं, वो भी सारे मैं तुझसे कह भी नहीं सकता, ऐसे थे वो, शादी हुई नहीं किसी की, अब किस किस का खाना बनाई। चलो पिताजी सही है, फिर और कोई रास्ता देखेंगे। चलो वो तो देख लिया जाएगा बेटा, पर दिमाग खराब है मेरा। आ जा। क्या क्या देख रही है? नमस्ते दाऊ जी। नमस्ते, बता। नमस्ते दीदी। चुप। अरे तू कल परसों तो अपने ससुराल गई थी, तो फिर आ गई? अब ये जाएगी नहीं है? अब ये जाएगी नहीं। जाएगी नहीं ना। अच्छा हाँ। ना जाने के लिए आई हूँ। अच्छा हाँ। ना जाने के लिए आई है, सारी जिंदगी यहीं कटेगी तेरी? चुप, बिल्कुल। तुझे क्या मतलब उसकी जिंदगी यहाँ कटे वहाँ कटे, तुझे मतलब क्या है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं उससे बात कर रही हूँ। क्यों कर रही है? मैं बेटी उसे... किसकी है वो? मेरी सहेली है वो। सहेली है? हाँ। तुझसे सहेली, तेरी सहेली होने से पहले वो मेरी बेटी है। अरे जहाँ तुम्हारी जैसी तो बेटी भी ना हो, तुम जैसे को तो बेटी ना दे भगवान। इससे अच्छा तो तुम बे औलाद रहते। ताऊ जी सही बताऊँ तो बेटी देंगे तुम्हें, भगवान ने तुम्हें बेटी दे दी ना, तो तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ना हीरा दे दिया। हीरा तो हाँ, हीरा ये मेरे लिए तो मेरी बेटी सबसे सुंदर, मेरी बेटी सबसे कामिंदा, मेरी बेटी हीरा है मेरे लिए तो। कितनी जगह घर बर्बाद करोगे, और तुझे नहीं दिखती ऐसे तेरे घर में रहने से जिंदगी बढ़ जाएगी? तू जगह जगह से अपने पति को छोड़ छोड़ के आती है। अब मैं क्या कह दूं दीदी, जो पिताजी करेंगे मैं तो वही करूंगी। एक बात बता, चार जगह से तो तेरा रिश्ता टूट गया है? चार जगह के साथ तेरी शादी हो गई? दो जगह से ही तो टूटा है। दो जगह से? एक बात बता रही तू मुझे, पहले दो जगह जब तेरा रिश्ता तय किया था वहां से पहले टूट गया, रिश्ता तय होने से ही पहले टूट गया। अब दो जगह तेरी फिर शादी हो गई, अब वो क्या कहता है, अब पहली जगह से टूट गई, और अब का क्या किया तूने? अब हम कुछ भी दी फैसला करा के लाए हम उसका। बता बता क्या करेगी तू, अपने घर में पालेगी से, अपने अपने घर में शादी करवाएगी इसकी? उल्टी बात मत करा कर लड़की, एक बात समझ ले, ये मेरी बेटी है, जैसे मुझे समझ में आएगा वैसे इसकी शादी करूंगा। और सुन, अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं चार जगह करूं आठ जगह करूं, मेरी बेटी बेटी है, कोई बर्फी का पीस नहीं जो जगह जगह बांट रहे हो, समझ में आ गई ना? ऐसा बकवास मुझे पसंद नहीं है, अपना काम देख। और अरे हम क्या फालतू की बकवास करते, तुझे तेरा जीना मरना देख रहा है, जगह जगह बैठती डोलेगी है, तू तो गाय बन रही है जो बिजार के संग भाग जाती है। बिल्कुल उल्टी बात करती रहती है हर समय, यही नहीं समझ में आ रहा दीदी मैं भाग ही नहीं हूँ। हाँ शादी कर, शादी करके, लेकिन गांव वाले तो तुझ में ही खोट निकाल रहे हैं। काहे को निकाल रहे हैं खोट? क्यों निकाल रहे हैं? सब कहते हैं लड़की में ही खोट होगा। लड़की में? अरे ये तो तेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुलाई है, तुझे अपना भविष्य देखना चाहिए ना है? चलो दीदी जैसे पिताजी करेंगे करेंगे, तो वैसे पिताजी कुछ नहीं करेंगे, पिताजी का तो मैं अभी बता रही हूँ तुझे, पिताजी क्या करेंगे, पिताजी पिताजी करेंगे ये। और नोट नोट लिया वहां से? ऐसा बकवास मत, पिताजी क्या नहीं करेंगे, मैं कर नहीं रहा। पिताजी तो तेरी मैंने मैंने इसकी दो जगह शादी तय की पहले, उन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या बोला? ये कह रहे थे दो भाई हैं, उसमें तीन निकले, दूसरी जगह शादी तय करके आए, करे बहुत सारी जमीन जायदाद हम पे, ये है फलाना है, बीघा भर खेत पड़े हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है, कुछ नहीं था, नंगा थे साली। गरीब घर में करते लड़की सुख तो पाती, जितने पैसे वाले घर में करोगे उसको इज्जत नहीं करता अपने। इज्जत से अपना काम देख, और मैं तो तुझसे कह रही हूँ इसके चक्कर में मत पड़, चली जाके अपने ससुराल चली जा तू। अरे तू जा अपना काम देख, चल बेटा तू घर चल, घर चल तू। और तुम जैसे इनके कीड़े ही पड़ते हैं। हाँ उन कीड़ों को तू खा लियो, निकाल के मेरे अंदर से। तू बकवास बताओ। राम राम। राम राम दूरिया, कहाँ से आ रहे हो? राम राम भैया। राम राम। राम राम कहीं से ना आ रहे, इसके घर से आ रहा हूँ। घर से आ रहे हो? हाँ भैया हम अपने ससुराल से आए ना इसलिए। हाँ काहे को, का कछु बात है की? बात क्या हो गई? मैं गया इसको बुलाने, मुझसे ये कह रहे थे शादी होने से पहले बात तय हो गई थी मेरी कि मेरी बेटी पे काम कम होता है, पतली दुबली है, अभी चक्कर आ जाए गिर पड़े, कौन जिम्मेदार है? हाँ सही बात है, मैं इस चक्कर में शादी की थी कि कम काम मिलेगा सबका। अब उनने मुझसे ये कही थी कि मैंने की कौन है घर में तुम्हारे में, तो मुझसे बोले दो ही जने हम, बाप और बेटे,
अब मां जाके अब मैंने जब शादी कर दी तो तीन भाई हो रहे हैं उसके, और पांच पांच हिंदों का खाना बनाती है मेरी लड़की, पूरे घर का काम करे, घेर का काम करे, आठ भैंस पाल रखी है। ये कर लेगी अकेले? ये दिख रही है ये खुद बकरी ऐसी हो रही है। तुम्हें पहले ना देखो, तुमने फैसला है होगा तो हो गया फैसला कछु ले देगा होगा वैसे ही 1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ। और पहले वाला 1 लाख? ये बढ़िया है फिर। ये बढ़िया क्या है, दावत नहीं की मैंने अपनी बेटी के उसमें काम में पैसा। तो जगह जगह भटका रहे हो, एक जगह ही रहने दो जाकू। ऐसा है तू दिया अपना मुंह बंद कर और यहाँ से निकल ले। तीसरी जगह शादी करोगे? चार जगह करूँ, छह जगह करूँ, मेरी बेटी मेरी मेरी संतान, मैं इसको कहीं भी कुएं में डालूं, फेंकूं, कुछ भी करूं, आग लगाऊं, वो मेरी हेडिक है ना। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अच्छा हाँ, तो मैं करवाऊँ फिर जुगाड़। अब आई ना काम की बात, अब तूने बढ़िया बात की है। लड़का कोई है? लड़का देखा कोई? व्यवस्था का है जी? व्यवस्था मेरे पास तो कुछ नहीं है देने है? मेरे पास कुछ ना, मो मेरी व्यवस्था होनी। तो ये कपड़े पहन मांगूंगा एक जोड़ी? ना ना, कपड़ा वपड़ा ना, व्यवस्था मुझे चाहिए बढ़िया। सुन तो सुन, तू ये मेरी बात सुन। हाँ। तू ऐसा करियो, तू घर पे आइयो कल। अच्छा। और बैठ के आराम से बात करियो, एक कप चाय और पी के जाइयो मेरे यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपना काम करा। वैसे लड़की तो सही लग रही है। अरे जा, सही लग रही है। बेवकूफ लोग है, दिमाग मार दिए तू। अरे कहाँ आ रहा है? ओ गंगाराम। हाँ, बड़े दिनों में मिलो है तू तो है? बड़े दिनों में नहीं, बस ऐसे काम में फंसा था। अरे ज्यादा ही काम कर रहे हो कछु? बहुत यार, मरे को है जिंदो है तू, जी न मालूम के कहाँ है खाना। मैं तो इसलिए नहीं आता। हाँ? तेरा बहु बेटों का घर। अरे तो चौपार का मर गई, ये तो चौपार पे आकर और बैठे करने में समय नहीं मिलता है। सब जमानो के रो गांव के। अरे भैया वो तो इतना बिजी है, तू से तो बात करना पसंद ना कर। जरूरी है देखो, व्यस्तता इतनी जरूरी है देखो, पापी पेट है, इसके लिए काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। काम तो हम ना कर रहे काम, मगर देख आज मन सो भयो मैंने किला डोली हूँ मगर घर। अब तू रस्ते में मिलोगा जो और बढ़िया है, मिल तो गया। हम बता क्या बात थी? अरे मैं बस तुझसे जी बात कह रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वैसे तू? जे बन ठंड के तो बन ठंड गया ना, बैंक जा रहा था। बैंक? हाँ। बैंक में तेरे का काम पर गो? 1.5 लाख रुपए जमा कर गया है मुझे। 1.5 लाख? हाँ। 1.5 लाख रुपये कहाँ से आगा? अब तो नाच भाज ना कटो ना बिको। अरे नाच भाज से क्या होता है यार? तो एक बात, मेरी बेटी को वो लोग परेशान लग रही थी। अब ये क्या कहते हैं, मैं फैसला कर लाया उनसे 1.5 लाख में। अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो मुझे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, तू भी जानता है। हाँ, ये तो खैर है। तो मैं सोच रहा था इसे बैंक में जमा कर जाऊं, जो अगली बार शादी कर दूं बढ़िया। अच्छा। हाँ। बड़े के नाते मैं तो कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। बता। मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ। बता। कि तेने पहली जगह ब्याह करो लल्ली को। हाँ है, वहाँ पे तेना कमी बता दी कि जामे जी कमी कमी थी। ठीक है, वहाँ से तू पैसे पैसा घूम के नहीं आया था मैं। हाँ, तो लेके नहीं गया था, कैसे लोग थे? हाँ, वो तो खैर मान लो पहली जगह। हाँ। तू दूसरी जगह गयो? हाँ, दूसरी जगह। मेरे बात को बुरा मत मानियो। बुरा क्या मानूंगा मैं? या तो बड़ा समझ ले या छोटा समझ ले। नहीं, बढ़िया यार, दूसरी दोस्त है मेरा, बहुत से बड़ा ही है भाई। तो जमारे में तो कुछ समझा रहा हूँ, अब तेना दूसरी जगह से करो फैसला, गाँव में तेना पैसा ले ले। तो जी अच्छी बात ना है कि देख, अब धी बेटी का नसीब होता है वो तो बाखो। हाँ। कि अच्छी जगह जाए या बुरी जगह जाए। हाँ। है ना। हाँ। तो जी अच्छी बात ना है कि तू वहां से उठाए माँ बैठा रहे, माँ से उठाए माँ बैठा रहे, ये अच्छी बात ना है। मेरी बात सुन। हाँ। मेरी बात सुन गंगाराम। मुझे जो ठीक लगेगा, देख तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे अपना ये रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता। हाँ। तो इसलिए मुझे वही सलाह दो जो मुझे अच्छी लगे, जो मैं कर रहा हूँ उसे बस हाँ में हाँ मिलाओ, बस इसके अलावा कोई सलाम तो मत दो। हमारी इज्जत तो तेरी नजर में कछु ना है ना बड़े की, बहुत इज्जत है यार दोस्ती, तेरी इज्जत है, बतेरा बड़ा है मुझसे, मैं इज्जत करता हूँ, आज तक इज्जत करी, कभी इज्जत में कमी करी बता? अब तेरी मेरी मोहल्ला में बड़ी तारीफ होती है यारी दोस्ती की। मुझे अब कह रही है कि हमारी तो वो तो भूल गए सब। अब जी कहता है बाकी इसका लोड़िया दूसरी जगह बैठेगी तो वहां से फैसला कर लाओ कि रकम कमा रहा है कि ऐसी बैठा। रकम नहीं कमा रहा भैया, दुनिया ना समझत लाला जी, हम समझते हैं वो बात सही है जी। तो तू भाई बंदे, हम जानते का का है रो का ना है रो, वो बात सही है। अब दुनिया है मुंह पटा के चली जाते, चली जान दो दुनिया, बकने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। अब गंगाराम तुम अपना काम करो, खाली दोस्ती वहां तक रखो जहां तक अच्छी लगते। चल भैया तेरी मर्जी है, वो जी पागल छोरी की जिंदगी में ऐसी बेकार। अरे ताऊ, अरे ताऊ है का? अरे ताऊ राम राम। अरे बाबा बाबा, आ गए ना तू? हाँ आ गए, आ गए। चल अंदर चल, अंदर चल, बैठ के बातें अच्छी होती हैं। आ गए खड़े खड़े, चलो अंदर चलो। आ जा, बैठ भैया, बैठ जा।
जड़ जाओ। हाँ बैठ आराम से। हाँ और बता पप्पू, बढ़िया चल रहा है सब? हाँ बस बढ़िया है सब, सब व्यवस्था काम धंधा। हाँ तब मोटरसाइकिल ले लिया? हाँ अभी निकाल ली, तीन चार दिन की। अच्छा अरे मैसेज ली आई थी वो तुम? दो ली थी, ये ऐसा था वो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा भाई मेरी भैंसिया बिकवा, भैया मेरी भैंसिया बिकवा। मैंने की अब कहाँ बिकवाऊँ ना, मैंने ऐसा तू घर पे बांध दिए, जो पैसे बने वो ले जाइए। अभी निकाली थी क्या मोटरसाइकिल? हाँ अभी तो निकाली है, अभी तो 90,000 रुपये की निकाली है चार चार दिन पहले। तो सही है व्यवस्था? गाड़ी कैसी है? हाँ बढ़िया है, स्प्लेंडर निकाली है, इसी चक्कर में ऐसी निकाली है काली गाड़ी। मैंने की कछु दिन चले चक्कर में ये सामान लिया था कि कल को अगर लड़की का रिश्ता हो जाए वो कुछ मांगने लग गए तो कम से कम उठा के तो दे दूंगा उन्हें। कम से कम मेरी बेइज्जती तो ना होगी। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ पप्पू। हाँ कोई लड़का बता रहा था तू? हाँ लड़का तो है ताऊ। कारोबार कैसा है? कारोबार एकदम। क्या क्या है कारोबार में? हर चीज है, पर एक एक बात है ताऊ। बताओ। बाबा दो बालक है। दो बालक? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कारोबार बता कारोबार। और बहू मर गई है तो मुझे क्या करना? बहू से बहू बहू मर गई है तभी तो दूसरी शादी कर रहा है। कारोबार? हाँ कारोबार 12 बीघा तो खेत है। और दो ट्रैक्टर है। अच्छा हाँ एक बट्टे पे चलते है। हाँ चल तो और क्या? और घरे एक ठाड़ो रही तो अपने जरूरत के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। और अच्छा पर भैया एक बात पहले बता दूंगा तुझे, ब्याह तो मैं कल कर दूँ, पर एक बात समझ लियो मेरे पास कुछ लेने देने के लिए नहीं है। लेने देने के ना? हाँ शादी करूंगा मैं जैसे मेरे मन में होगी। वो तो मिले हो? हाँ तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। हाँ मैं शादी करवा दूंगा पर वो दे दी। हाँ तुझे मिल जाएगा पर मेरे पास उनको लिए देने के देने के लिए कुछ हाँ, नहीं वो मैं देख रहा। ऐसा करियो सुन, तू रिश्ता तय करने जाना तो उनसे ये कह दियो कि वो तो गरीब आदमी है मेरी, कह दियो कोई टेंशन ना। ये कह देना कि उधर से ऐसा करियो मुझसे क्या लेगा यार, मैं तो तेरा गाँव का हूँ, तू उन्हीं से कह दियो कि तुम दे दो मुझे तुम्हारी लौंडी की शादी करवा दूंगा मैं। हैं? हाँ मैं कहता हूँ। हाँ चल मैं कह दूँ ठीक है फिर, तुम्हें भी देना पड़ेगा, वो भी दे दें वो दें या ना दें। हाँ अब ये बता कुछ खाएगा? ना 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 चाय पी ले? ना ना चाय ना पी, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पी ले? ना 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 चल तो चल ठीक है, तो फिर चल अपना काम कर फिर। ठीक है बता दियो पहले, बताओ ठीक है। हाँ ठीक है राम 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 जी राम राम। चल रिश्ता तो करा जोड़ को बताओ, लेकिन खेत खलियान और पैसे वाला हो तभी मजा आएगा, क्योंकि भैया आगे के लिए भी तो नोट कमाना है।